पेंटिंग चैनल में मैं आज आपको सुंदर सा बेबी बूटीज का डिजाइन लेकर आई हूँ और ये आप आसानी से किसी भी साइज का बना सकते हैं और इसमें डोरी डालकर भी आप बना सकते हैं। दाएं साइड डोरी डालने से ये दाएं साइड का और ये बाएं साइड डोरी डालने से ये बाएं साइड का आपसे आप बनकर आता है। ये मैं बिगिनर के लिए फंदे डालने के तरीके बता रही हूँ। छोटा धागा लेफ्ट हैंड साइड में और ये धागा इस तरीके से लपेटनी है। इसमें मैं 3 पल्ला का धागा और 10 नंबर का सलाई का यूज कर रही हूँ। अब देखिए ये धागे थोड़ी खींचना है और ये फर्स्ट वाला धागा लेना है और दूसरी औंठे का धागा निकालकर बाहर निकालना है निडल। इसी तरीके से आपको फंदे डालनी है। बहुत ही आसान होता है इस तरीके से फंदे डालने से। अब देखिए मैं इसमें 54 फंदे डाल रही हूँ। इसमें आप 2-4 फंदे कम बेसी कराकर किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये मैं 6 मंथ से 1-1.5 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। 5 फंदा बिना बिनाई यहाँ से आपको सारी फंदे इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनना है। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी उल्टा इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से भी आपको सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिना बिनना है, मतलब दोनों साइड से इसी तरीके से उल्टी बिना बिनते हुए बनाएंगे। अब देखिए मैं इतनी बिन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये डिजाइन गिनते 1 2 3 4 5, एक साइड में 5 और दूसरी साइड में देखिए 1 2 3 4 5, दोनों साइड इसी तरीके से पापा डिजाइन आपको बनानी है। अब देखिए इसमें 54 फंदे हैं। ये 54 फंदे आपको 3 भाग में लगानी है। ये 3 भाग किस तरीके से लगाएंगे मैं इसका ऊपर बिनकर दिखाती हूँ। आप साइज का हिसाब से इसी तरीके से 3 भाग लगाकर बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से मैं इधर 20 फंदे इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनने वाली हूँ। अब देखिए 20 फंदे बिनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर से आपको 14 फंदे बिनने हैं। 14 फंदे में देखिए 2 फंदा सीधा धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 धागे पीछे। अब देखिए इधर से 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदा सीधा धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 2 धागे पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2। इस तरीके से आपको 14 फंदे बनानी हैं। अब देखिए यहाँ से फिर आपको बाकी का 20 फंदे में उल्टी बिनाई बिनना है। इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से बनानी है। ये इसकी सीधी साइड से मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ये सीधी साइड बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, 20 फंदे जो उल्टी बिनाई का है इसमें आपको उल्टी बिनाई बिनना है। 20 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। देखिए 2 सीधी का है, इसमें आपको उल्टी बिनाई बिनना है। इस तरीके से धागे पीछे 2 फंदा सीधा, देखिए ये उल्टी का सीधा बिनने है। बैक साइड से धागा अपनी ओर, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदा उल्टा धागे पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2 धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। यहाँ से देखिए 20 फंदे का डिजाइन शुरू होता है उल्टी वाला, इसमें आपको उल्टी बिना बिनने है, 1 2। इसी तरीके से आपको 20 फंदे बिनने हैं उल्टी बिना बिनते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए सारी फंदे उल्टी उल्टी बिन रही हूँ और लास्ट का एक फंदा भी उल्टा बिनाई। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है दोनों साइड से। अब देखिए 1 2 सीधी का डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर, अब देखिए इसका ऊपर ये सीधी का डिजाइन 1 2 3 4 और ये 5 सीधी का डिजाइन बन चुका है। और इधर साइड देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा डिजाइन। अब देखिए ये 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनने हैं। अब देखिए फिर 2 फंदा सीधा धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। अब देखिए इधर 6 फंदे सीधी का है, इसमें आपको केबल डिजाइन बनानी है। अब देखिए 6 फंदे काटी से बाहर कर लेना है और 3 फंदे राइट निडल में और 3 फंदे लेफ्ट निडल में इस तरीके से लेना है। और लेने के बाद फिर इस तरीके से राइट नीडल का फंदे भी लेफ्ट नीडल में इस तरीके से लेना है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है और सीधी बिनाई बिनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से आपको केबल डिजाइन बनानी है। अब देखिए ये केबल डिजाइन बनने के बाद धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 2 फंदा सीधा बिनाई 1 और ये 2, धागा अपनी ओर। इधर से देखिए ये 3 धारी वाला डिजाइन है, इधर भी आपको 3 धारी वाला डिजाइन बनानी है सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का 1 फंदे सीधी, तो देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से अभी तक हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए बैक साइड सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं पूरा कर चुकी हूँ। अब देखिए इसका सीधी साइड देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए 1 2 3 ये धारी का डिजाइन। अब देखिए ये एक केबल डिजाइन इसमें बन चुका है 3 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद। अब देखिए इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना धागा अपनी ओर, यहाँ से आपको 18 फंदे इस तरीके से उल्टी बिना बिनने हैं और 18 फंदे बिनने के बाद इसका ऊपर गटाई करनी है थोड़ी अलग से। अब देखिए इसमें 18 फंदे में बीन चुकी हूँ। अब 2 फंदे में हम गटाई करेंगे। अब देखिए गटाई किस तरीके से करनी है, ये 2 फंदे एक साथ सीधी बिनाई बीन देना है, मतलब दोनों उल्टी फंदे को आपको 2 फंदे 2 का करते हुए घटाई करनी है। अब देखिए 2 फंदा सीधा, 14 फंदे का ये डिजाइन है, 2 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 6 फंदा सीधा 1 2 3 4 5 और ये 6 ये केबल डिजाइन का है। तो देखिए इस तरीके से सीधी बनानी है, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा 1 2, धागे पीछे 2 फंदा सीधा 1 2। अब देखिए 2 फंदा सीधी बिनने के बाद ये वाला फंदा पलट देना है और ये 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बीच में हम 18 फंदे अब उल्टी बिनाई बिनेंगे। तो देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनना है। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए बैक साइड से हम अभी तक जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करनी है, मतलब जो घटाई वाला फंदा है इसमें 2 फंदे 2 का कर रहे थे, इसमें भी आपको उल्टी बिनाई बिनना है और बाकी का फंदे हम जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए बैक साइड पूरी करनी है। देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना इस साइड से अब सिर्फ 17 फंदे इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं। 17 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद एक सीधी और उल्टी फंदे 2 का एक बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से, मतलब 1 फंदे फिर घटा देना है। अब फिर देखिए 2 फंदा सीधा 14 फंदे का ये डिजाइन है, फिर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 6 फंदा सीधा 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा 1 और ये 2, धागे पीछे 2 फंदा सीधा 1 2 इस तरीके से। फिर इधर घटाई करनी है, ये वाला फंदा पलट देना है और पीछे का फंदे लेकर 2 फंदा 2 का एक बना देना है। तो देखिए इस तरीके से अब इधर 17 फंदे उल्टी बिनाई इसी तरीके से आपको बिनने हैं। अब देखिए इसमें इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए इसी बात को आपको रिपीट करनी है, बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर कि इसमें 1 2 3 डिजाइन बनने के बाद इधर केवल डिजाइन बनाए थे, अब 1 2 डिजाइन बन चुका है। ये इसका ऊपर तीसरी वाला डिजाइन है और तीसरी वाला डिजाइन में केवल डिजाइन बनानी है, मतलब ये सीधी का डिजाइन देखिए 1 2 3 4 5 सीधी का डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर केबल डिजाइन डालेंगे। इसी तरीके से 3 धारी बनने के बाद केबल डिजाइन, फिर 2 धारी बन चुका है, तीसरी में आपको इसी तरीके से केबल डिजाइन बनाते हुए बीनना है। बहुत ही आसान है, बार बार आपको एक ही बात को रिपीट करनी है और ये आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। ये सीधी और उल्टी फंदे लेकर दो फंदे दो का एक बीन देना है। फिर तो देखिए इस तरीके से कटाई करनी है। फिर देखिए दो फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, दो फंदा उल्टा। अब देखिए इधर केवल डिजाइन बनानी है छः फंदे में। ये छः फंदे कांटे से बाहर कर लेना है। तीन फंदे राइट नीडल में, तीन फंदे लेफ्ट नीडल में, इस तरीके से लेना है। और फिर ये तीन फंदे भी लेफ्ट नीडल में चढ़ा देना है। फिर धागे पीछे छः फंदे सीधी सीधी, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है केबल डिजाइन। अब फिर देखिए दो फंदा उल्टा, ताकि पीछे दो फंदा सीधा, एक और ये दो, और इधर घटाई करनी है, ये फंदे पलटनी है। और पीछे का उल्टी फंदे लेकर दो फंदे दो का एक बीन देना है। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर, इधर से आपको उल्टी बिनाई बीनना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए लास्ट का एक फंदे है, इसको आपको सीधी बिनाई बीन देना। देखिए इसमें आपको इधर दो फंदे दो काए करनी है और इधर दो फंदे दो काए करनी है। बाकी में आप जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइए। ये आप फंदे कम बेसी कराकर किसी भी साइज में बना सकते हैं। जिस तरीके से मैं घटाते आ रही हूँ उसी तरीके से मैं घटाई कर रही हूँ। अब देखिए ये आप आसानी से किसी भी साइज में बनाने के लिए मैं तरीका बता रही हूँ। ये देखिए औंठे से ऊपर बॉर्डर तक का लंबाई आपको इस तरीके से बनानी है। साइज का हिसाब से आप कम बेसी भी बीन सकते हैं। तो देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। तो इसका ऊपर कितनी फंदे हैं ये भी मैं गिन कर दिखाती हूँ। और ये डिजाइन जो भी इसका है ये भी आप फंदे कम बेसी कराकर करा सकते हैं। नीचे में देखिए इसमें मैं ये जो है पेयर का इस तरीके से गोलाई नाप कर ले रही हूँ। तो साइज का हिसाब से वो भी आप फंदे कम बेसी कराकर इसी तरीके से तीन भाग में लगाकर बनाइएगा। अब देखिए इसका ऊपर कितनी फंदे बाकी हैं इस तरीके से बिनने के बाद ये मैं फंदे गिनकर भी आपको दिखाती हूँ। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, मतलब 38 फंदे हैं इधर। अब देखिए 38 फंदे होने के बाद इसका ऊपर बॉर्डर बिनने हैं। साइज का हिसाब से ऊपर का फंदे भी आप कम बेसी गरा सकते हैं। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई। इसी तरीके से आपको 1 बाई 1 का रिप डिजाइन इसका ऊपर बॉर्डर में बिनना है। दोनों साइड से इसी तरीके से 1 बाई 1 का रिप डिजाइन बिनते हुए आपको बनानी है। अब देखिए बैक साइड से भी जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनेंगे। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब देखिए ये मैं इतनी बीन चुकी हूँ। ये आप कम बीन कर भी बना सकते हैं। ये मैं फोल्ड करने के लिए ज़्यादा बना रही हूँ। आप बिना फोल्ड के भी ये बना सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे आपको उल्टी बीनना है और पीछे का फंदा इसके ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए फिर धागे पीछे सीधी फंदे सीधी बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे हम बंद करेंगे। देखिए इस तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। और ये फंदे बंद करने के बाद थोड़ी खींचना है और इधर लक लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करनी है और फोल्ड करने के बाद इधर से यहाँ तक आपको सिलना है। अब देखिए मैं सुई में धागा डाल चुकी हूँ। धागा डालने के बाद इस तरीके से आपको सिल देना है। अब देखिए दोनों साइड ये चेन वाला है, इसमें आपको इस तरीके से सिलते हुए बनानी है। इतनी सिलने के बाद इधर से देखिए ये फंदे जो डाल रहे थे उसी का ये फंदे वाला धागा है, ये आपको एक एक करते हुए उठानी है। इसी तरीके से इधर साइड का भी आपको फंदे उठा देना है सुई में। देखिए ये दोनों को आपको कनेक्ट करनी है एक आपस में। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये ना टूटे धागा, इसलिए एक दो बार सारी फंदे में सिलना है। फिर देखिए इधर मैं गांठ लगा रही हूँ। अभी तक मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरा दीपा निटिंग चैनल में काफ़ी सारा है। अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल।